सोनाक्षी और रोहित की प्रेम कहानी समृद्ध है और यहाँ सोनाक्षी और रोहित इस मिलन के लिए खुश हैं। रोहित ने सोनाक्षी से अपने प्यार का इजहार करने और उसे प्रपोज करने का प्लान भी बना लिया था। सोनाक्षी को रोहित से वो प्यार होने का गम है, जबकि यहाँ रायमा वापसी सब कुछ बिगाड़ देती है और रोहित सोनाक्षी अलग हो जाते हैं। रोहित दुविधा में है। रायमा को यकीन है कि रोहित उसे चुनेगा क्योंकि वे उसका पिछला प्यार है, लेकिन ऐसा हो रहा है और रोहित सोनाक्षी को चुनता है। रायमा इस प्रकार बदला लेती है और सोनाक्षी से बदला लेने और रोहित के जीवन से उसे निकालने के लिए पूरी तरह तैयार है। रोहित और सोनाक्षी की नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं और यहां घटना की बड़ी बारी आई है। रोहित ने सोनाक्षी के लिए प्यार की अपनी भावनाओं को महसूस किया है और सोनाक्षी को स्वीकार करने के लिए बहुत खुश और उत्साहित है, जबकि दूसरी ओर रायमा ठीक हो रही है और यहां वह रोहित के साथ बिताए अपने प्यार के पल को याद करती है। रोहित और रायमा फ्लैशबैक रोमांस में अपनी खूबसूरत प्रेम कहानी का खुलासा करेंगे जो दर्शकों को भावुक कर देगी। रोहित अब अपने खूबसूरत अतीत रायमा या आगामी वर्तमान सोनाक्षी के बीच चुनने के लिए बड़ी दुविधा में पड़ जाएगा। रोहित इस कठिन विकल्प को देखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कॉल करना होगा। रोहित और सोनाक्षी की प्रेम कहानी शुरू होती है और सब कुछ ठीक चल रहा है। रोहित ने सोनाक्षी से प्यार कबूल करने और उसे शादी के लिए प्रपोज करने का भी मन बना लिया था। रोहित के प्यार के सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं क्योंकि रायमा जीवन में रोमा की वापसी का संकेत देती है और उसके प्यार का दावा करती है। रोहित बड़ी दुविधा में है और यहाँ रोहित और रायमा फ्लैशबैक कहानी में अपनी वास्तविक और प्यारी प्रेम कहानी का खुलासा करेंगे। रोहित और रायमा अविभाज्य हैं और उनका प्यार वास्तव में मीठा और सच्चा था। रोहित और रायमा की प्रेम कहानी दर्शकों को उदासीन कर देगी। रोहित और सोनाक्षी में प्यार हो रहा है और उनके प्यार का नाटक धीरे धीरे असली प्यार हो गया है। रोहित और सोनाक्षी एक दूसरे को प्रपोज करने और प्यार के पल साझा करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। रायमा और सोनाक्षी की जिंदगी में रायमा की वापसी मुसीबतें बढ़ा देगी। रायमा रोहित पर अपना हक जताएगी। रायमा रोहित को अपने प्यार के पलों को याद करते हैं और उन्होंने साथ रहने की शपथ ली है। रायमा रोहित को बताती है कि वह सिर्फ उसके लिए मौत को हराकर वापस आ गई है और अब वह उसे खोने के लिए तैयार नहीं है। रायमा की जिंदगी में रायमा की वापसी उस पल के रूप में होती है जब रोहित और सोनाक्षी की नजदीकियां बढ़ रही होती हैं। रोहित खुश है कि रायमा कोमा से बाहर है और यहां तक कि उससे मिलती है, जबकि उसे अब उससे कोई प्यार नहीं है। रोहित अब सोनाक्षी के साथ जीवन में आगे बढ़ गया है, लेकिन रायमा इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। रायमा अपने पुराने रोहित को चाहती है जो एक प्रेमी लड़का था और हमेशा उसके बाद और उसे लाड़ प्यार करता था। रायमा को यह देखकर दुख होता है कि कैसे रोहित को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है और उसके जीवन में सोनाक्षी है। रायमा इस प्रकार सोनाक्षी से मिलता है और उसे रोहित के जीवन से बाहर रहने का सुझाव देता है क्योंकि वे उसका है और कोई भी उन्हें अलग नहीं कर सकता है।